जैकेट बना। हाय सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। हेलो अभिषेक। हाय, आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू डूइंग? या इट्स योर फर्स्ट मूवी। या हाउ डू यू फील आफ्टर शूटिंग इट? या इट्स जैसे ना कि लाइफ इज़ अ फुल सर्कल। तो हमने मूवी स्टार्ट की थी फर्स्ट डे, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर लातूर में हमने शूट स्टार्ट किया था और आज फिल्म रिलीज़ हो रही है। आई मीन टाइम काफ़ी था बीच में, लेकिन रियलाइज़ नहीं हुआ कि यू नो टाइम जस्ट फ्लाइज। एंड नाउ आई मीन फॉर मी इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब एक्साइटमेंट भी है, जिटरी भी फील कर रहा हूँ, एंक्शियस है, हैप्पीनेस है। सो आई जस्ट कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। या महेश सर के साथ आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी, और इट्स अ ड्रीम कम ट्रू बेसिकली। बिकॉज जैसे आप देख सकते कि ये पोस्टर ही बयां कर रहा है कि फिल्म किस लेवल की है, और मेरे ख्याल से आई एम थैंकफुल टू महेश सर, और उन्होंने काफ़ी गाइड किया। यू नो बिसाइड्स बींग अ वेरी गुड डायरेक्टर, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। और मेरे ख्याल से जो उन्होंने फिल्म को ट्रीटमेंट दिया है, ये वन ऑफ इट्स काइंड है, बीट स्पेशल इफेक्ट्स, बीट द स्टोरी ऑफ द फिल्म। और इस फिल्म में प्रोबेबली जैसे आप टैग लाइन भी यू नो ही बिलीव्स शी इज़ समवेयर डू यू, इसमें जो ट्रीटमेंट है बेसिकली वो मेरे ख्याल से ये फिल्म विल रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ लव नाउ। हाँ यस यस, मैं एक पेंटर हूँ डेफिनेटली, एज यू कैन सी इन द पोस्टर। और ये उसको कुदरत ने दिया ये जो गिफ्ट है पेंटिंग का, और उसके जो प्यार की कल्पना है वो एक कैनवास से जैसे आप देख रहे निकलती है। तो इस फिल्म में जो आप प्यार की डेफिनेशन देखेंगे, जो कल्पना है, वो मेरे ख्याल से आपके और मेरे समझ से परे होगी इनिशियली। क्योंकि जैसे आज हम देखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया, कि कोई लड़की दिखी एंड यू नो यू फॉल इन लव, या शायद अरेंज मैरिज से किसी को किसी का प्यार मिलता है। लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से प्यार दिखाया गया है वो एक अपने आप में यूनिक बात है। और इसको अलग ट्रीटमेंट दिया है सर ने VFX से। सृष्टि की रचना कैसी हुई, हाउ दिस इवोल्यूशन दिस होल वर्ल्ड केम इन टू एग्जिस्टेंस, इवोल्यूशन प्रोसेस कैसे रहा, तो उसका विस आज की मॉडर्न लव स्टोरी के साथ सर ने ब्लेंड किया है। या मेरे ख्याल से इस फिल्म जो हर एक किरदार है बेसिकली, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा बोथ। जैसे संजय सर हैं, जैकी श्रॉफ सर है, गजेंद्र सर हैं, किशोरी शाहने मैम हैं, तो ये अपने आप में एक कह सकते स्टॉलवर्ड्स हैं, ये लोग दिग्गज कलाकार हैं जैसे मैंने कहा। और यू नो व्हाट, व्हेन यू आर लाइक उनके साथ आप काम करते हो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आप सीखते तो हो ही, और जब आप उनके साथ नहीं भी शूट कर रहे हैं, आप बिहाइंड द कैमरा है, तो द वे दे आर लाइक परफॉर्मिंग ना, उससे आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। और उसके अलावा सोनिया मान हमारी एक्ट्रेस है, उनका भी काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। सो इट्स अ कम्प्लीट पैकेज। म्यूज़िक मेरे ख्याल से इस नाम को किसी इंट्रोडक्शन की या कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इनके बारे में बोलूँ कुछ तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। और मेरे ख्याल से रविंद्र जैन सर का जो म्यूज़िक है उसका USP यही रहा है कि उनके गानों की रिकॉल वैल्यू जो हम कहें, अगर हम जैसे आजकल के पब सॉन्ग्स सुनते हैं यू नो रैप सॉन्ग्स, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छे नहीं, अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है कि 2 महीने बाद शायद आपको उतने पसंद नहीं आएंगे, आप बोर हो जाते हैं सुन के। वहीं आप रविंद्र जैन सर के कोई भी गाना उठा लीजिए, चाहे वो राम तेरी गंगा मैली हो, हिना हो, या विवाह हो, या फॉर दैट मैटर इस फिल्म का, तो उनकी रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। और इस फिल्म के जो गाने हैं बेसिकली हर जॉनर के हिसाब से उन्होंने कंपोज किए हैं। भंगड़ा सॉन्ग है, डुएट सॉन्ग है, एक आइटम सॉन्ग आप कह सकते हैं। और फिल्म देखने के बाद मुझे लगता है कि जो गाने हैं बेसिकली वो ऑडियंसेस जब फिल्म देख के निकलेंगे तो वो ज़रूर गुनगुनाते हुए निकलेगी। और म्यूज़िक आई वुड से इस फिल्म की यू नो एक रूह है, इट्स द सोल ऑफ दिस फिल्म म्यूज़िक। या क्या बता सकते हैं अपने एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन के बारे में, कैसी मूवी जाएगी, क्योंकि आज मूवी जो है वो रिलीज़ हो रही है? या मैं एक्साइटेड तो हूँ बेसिकली, बट मेरे ख्याल से ऑडियंस जनता जनार्दन होती है, वो डिसाइड करेगी कि फिल्म कैसे। हमें तो लगता है कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से बनाई है, और उसमें वो सारे एलिमेंट्स है जो ऑडियंस को अपील करेंगे। और ये बेसिकली एक साफ़ सुथरी पारिवारिक फिल्म है, कोई ऐसे डबल मीनिंग जोक नहीं है या कोई ऐसे वल्गैरिटी नहीं है, तो एक बच्चे से लेके यू नो बुज़ुर्ग आदमी वो सब एंजॉय करेंगे, जो आप अपनी फैमिली के साथ यू नो, और एक इंडियन फिल्म है बेसिकली, है विथ यू नो इंडियन ट्रीटमेंट। ओके, सो थैंक यू।
yeah. Congratulations for your movie. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Bye. जी जी ये इस मूवी को मैंने डायरेक्ट किया है, स्टोरी स्क्रीन पे डाला, प्रोड्यूसर मैं ही हूँ और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरा सपना साकार हो रहा है और एक फिल्म आज ऑल ओवर इंडिया कल से लग रही है। एक सेकंड राजू, एक मिनट। लीड एक्ट्रेस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभिषेक सेठिया हिंदी फर्स्ट टाइम इस फिल्म से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और सोनिया मान जो फिल्म की अभिनेत्री है और साथ में जाकी श्रॉफ, संजय कपूर, किशोरी शाहने, बचेंद्र चौहान ऐसे सारे कलाकार हैं जो बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं और बहुत ही अच्छा काम किया सब। क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक के बारे में? म्यूजिक के बारे में खास करके रवीन जैन साहब तो लेजेंड म्यूजिक राइटर, आप सब जानते हैं, मतलब हीना, उनकी विवाह पुरानी से पुरानी लो या नई से नई विवाह वगैरह लो, तो उनके जो एक सॉन्ग्स है उसमें एक सोल है, एनर्जी है, मतलब इस तरह से कि रिकॉल वैल्यू है इसको। तो मेरा सब्जेक्ट वही रिक्वायरमेंट यही थी कि कुछ म्यूजिक के साथ साथ लिरिक्स की भी बहुत इम्पोर्टेंस इसमें है, तो रवीन जैन साहब खुद लिरिक्स राइटर भी है और अच्छा म्यूजिक उन्होंने दिया है, तो इस फिल्म में भी 6 गाने उन्होंने दिए हैं जो बहुत ही अच्छे बने हैं और उसकी रिकॉल वैल्यू बहुत होगी। साथ में एक निखिल कामत ने भी एक गाना दिया है जो विमल कश्यप ने लिखा है, तो हाई जुनून जो गाना बहुत ही आज हमारे यूथ में बहुत पॉपुलर हो रहा है और ख़ास करके 2 दिन पहले ही एक न्यूज़ पाकिस्तान कोई बड़े चैनल पे आ रही थी कि नच बोले जो गाना है जो रवीन जैन साहब ने बनाया है, सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है, तो वो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है पाकिस्तान में। आप शूट के दौरान जो भी लोकेशंस थे, जो भी कुछ भी कहाँ पे थे अपने शूट के, उस बारे में कुछ बताएं? जी जी, पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं मेरा नेटिव लातूर है, उदगीर जहाँ से मैं हूँ, तो मैंने फिल्म की जो मैक्सिमम शूटिंग है, जो फर्स्ट शेड्यूल था पहला 60-70% शूटिंग मैंने लातूर में की है और उसके बाद गोवा, मुंबई टाउन, लोनावड़ा, वो डैम है, मतलब ऐसे जगह पे जो मैंने शूटिंग की है, कम से कम 5 अलग अलग लोकेशन पे मैं गया हूँ, अलग अलग शहरों में गया हूँ और वहाँ पे शूटिंग हुई। हाँ, दिग्गज में जैकी श्रॉफ, खास उनके बारे में ये है कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि, और ख़ास करके उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि 17 साल पहले जब मैं स्ट्रगल कर रहा था इस फिल्म लाइन में, तब उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जब पहली फिल्म बनाओगे तो मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा और बाद में जब मैं उनको साइन करने गया तो बिज़ी थे धूम 3 औरंगजेब वगैरह, फिर भी उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और वो लातूर आए, उन्होंने शूट किया, बहुत अच्छा, उनका बहुत ही अहम किरदार इस फिल्म में। क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो और क्या आपकी ये आपकी रिलीज हो रही है? जी जी, क्या एक्सपेक्टेशन है? जी, एक्सपेक्टेशन ये है कि आज के यूथ को मैं कुछ एंटरटेनमेंट के साथ साथ, एक रोमांटिक म्यूजिकल लव स्टोरी है और उसके साथ साथ मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्योर लव क्या होता है, आखिरकार प्योर लव जो हम अगर दिल से किसी को प्यार करते हैं, अगर हर युवा की एक फीलिंग है कि कहीं है मेरा प्यार, इसके गाने भी एक आपको सुनते हुए लगेगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं मेरा प्यार है, इसकी एक आस लिए एक युवा इस फिल्म में जो नायक है वो गाना गा रहा है, तो मुझे लगता है कि आज के यूथ में ये सारी बातें जो एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक प्रेम को समझने की जो एक डेफिनेशन है कुछ एक उसको मैंने ट्राई किया है कि उनको मैं कुछ अलग तरीके से अलग ट्रीटमेंट देकर इस फिल्म को मैं सजाऊं। साथ में एडम यू की एक कहानी है जो हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, उनके प्योर लव के बारे में, ऑब्सेशन के बारे में, जब फल खाने के बाद जो ऑब्सेशन हुआ था, तो थोड़ा सा उस टाइप का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग से मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत ही पसंद आएगा। सर, आज बहुत खुशी का मौका है, कहीं है प्यार का स्क्रीनिंग है, कहीं है मेरा प्यार, कहीं है मेरा प्यार, उसमें म्यूजिक दिया आपने, कैसा अनुभव रहा इस फिल्म में म्यूजिक देने का आपका? बहुत बढ़िया, बहुत एक जमाने के बाद, विवाह के बाद मुझे फिर मेरी एक और म्यूजिकल फिल्म है जिसमें मुझे अपनी बात कहने का चांस मिला है, अवसर मिला है,
और फिल्म का क्योंकि इमोशनल थ्रेडिंग है और मैं इसी तरह के सब्जेक्ट भी ढूंढता हूँ जहाँ पे कुछ सरगम सजाने की जगह हो, यहाँ पे कुछ अच्छे लफ्ज़ कहने की जगह हो। तो मेरे सुनने वालों को मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इस फिल्म को देखें और जिस संगीत की और जिस तरह के गीतों की मुझसे उनको अपेक्षा है उसमें उनको निराशा नहीं होगी। क्या कह सकते हैं रविंद्र जी, आप काफ़ी कम फिल्मों में संगीत देते हैं, इस फिल्म में संगीत देने की खास वजह क्या थी आपकी? देखिए ऐसा है भाई कि मैं खुद जाके अप्रोच नहीं करता कहीं म्यूज़िक की, मुझे उसी म्यूज़िक ले लीजिए या मुझे वो दर बदर लोग जाते आते हैं, मैं तो मेरा वो सिस्टम नहीं है। मैं जो मेरे पास आते हैं सम्मान सहित स्नेह के साथ जो काम करते हैं उनके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा, है ना, वरना तो हमारा प्रोफेशन यही है। और मैं आज भी 18-19 घंटे रोज़ काम करता हूँ, चाहे वो मेरा लिटरेचर हो, चाहे वो मेरी रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, सब पे लगा रहता हूँ। जो हमारा है, हमारा एक्सप्रेशन का जो मीडिया है उसमें हम लगे रहते हैं। फिल्म तो अब एक मीडिया रह गया है ना, आपके लिए 50 हॉराइजंस खुल गए हैं। तो और कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं सर इसके अलावा? यहाँ कई फिल्म है। कुछ बात कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? एक बड़ी हाँ, इस फीचर के लिए इस पिक्चर में एक जो ख़ास गाना है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो गाना है, मैंने अपनी शरीक हाथ दिव्या को शादी के मौके पे लिख के सुनाया था, वो गाना इस फिल्म में यूज़ हुआ है। उसका आपको मुखड़ा सुना दूँ? जी बिल्कुल सुनाइए। वो सुरेश वाडकर ने गाया है, मेरे सुरेश और रामशंकर ने गाया है। शामिल ये हो गया मेरी जिंदगी में, कौन पूछे है बार बार मुझे बेखुदी में, कौन शामिल ये हो गया। और टाइटल सॉन्ग इसका है कहीं है मेरा प्यार, और उसमें मैंने हिंदी के बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जैसे चिचोर वगैरह आपने मेरे सुने हैं, संकेत मिलन का भूल ना जाना, है ना, इसमें भी इसी तरह के लफ्ज़ लाया हूँ। कहीं है कहीं ना कहीं है मेरा प्यार, वो अनजाना अजनबी मिल ही जाएगा कभी, दिया जिस रंगों में उतार, कहीं है कहीं ना कहीं है मेरा प्यार। ये खूबसूरत एतबार है जो हर आदमी को जिंदा रखता है कि कहीं है मेरा प्यार, इस उम्मीद पर हर आदमी प्यार की तलाश करता है और कभी ना कभी मिल जाता है, जब मिल जाता है फिर वो गाता है कि यही है मेरा प्यार। थैंक यू सर, और फिर प्रोजेक्ट के लिए आपको मोस्ट मोस्ट वेलकम। और तुम क्या, और सब का हो चुका है? पहला सवाल ये, आज स्क्रीनिंग है आपकी फिल्म का कहीं है प्यार मेरा प्यार, कितनी खुशी मिल रही है आपको एक अभिनेत्री के तौर पे? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी है एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है मूवी किए हुए, सो आज मेरी यू नो एक्साइटमेंट में कुछ लव भी हैं बोलने के लिए। जहाँ तक मुझे पता है आपने ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह जीत रखा है काफ़ी सारी, और ये फिल्म जो है मिलना कितना मुश्किल है? ब्यूटी पेजेंट मिलने का थोड़ा आसान लगता है किसी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो आपको कितना मुश्किल कितना आसान हुआ ये फिल्म मिलना? एक्चुअली इससे पहले मैं जैसे पंजाबी मूवीज़ कर चुकी हूँ, मैंने जब पहले लिम्का फ्रेश फेस ऑफ पंजाब बनी थी तो मुझे पंजाबी मूवी मिली थी पंजाब में, वो की, फिर मैं बॉम्बे आई, मैंने एक इंग्लिश मूवी की, एक मलयालम की, तो फिर हिंदी मिली मुझे, तो हिंदी डिफ़िकल्ट ऐसा था कि लाइक आई एम वेरी लकी इस पार्ट से, मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मेरी पिक्चर सर ने सेलेक्ट की और मुझे ये मूवी मिल गई। अच्छा ये बताइए फिल्म का सब्जेक्ट बेसिकली क्या, क्योंकि फिल्म के सब्जेक्ट को देख के लगता है कि 90s में जो लव स्टोरी आती थी उस तरह का कोई सब्जेक्ट है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत लव स्टोरी है, हटके लव स्टोरी है। आजकल की कितनी भी लव स्टोरीज आती हैं
मतलब उसमें इतना पैशन नहीं होता लव के लिए, यू नो, आप छोड़ सकते हो, ब्रेकअप हो जाता है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हो, बट इस लव स्टोरी में मतलब इतना पैशन है अपनी